नमस्कार दर्शकों, मैं अक्षा वेद अंसारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। देखते हैं आज की खास खबरें। अपनी बात से पलटा चीन, पहले कहा पृथ्वी से बाहर जीवन के सबूत मिले, वायरल हुई रिपोर्ट कर दी डिलीट। चीन ने हाल ही में बड़ा दावा करते हुए कहा कि पृथ्वी से बाहर जीवन होने की संभावना है। दरअसल उसके स्काई आई टेलीस्कोप से कुछ ऐसे सिग्नल पकड़े गए हैं जो कभी भी धरती पर नहीं पाए गए। इस बात का खुलासा सबसे पहले चीन के सरकारी अखबार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने किया। हालांकि कुछ देर बाद ही इस खोज से जुड़ी रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। चीन कर रहा सिग्नल की जांच। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप स्काई आई ने नैरो बैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को पकड़ा है। फिलहाल इन सिग्नल की जांच की जा रही है। ब्लूमबर्ग के अनुसार चीनी अखबार ने रिसर्च के चीफ साइंटिस्ट झांगा टोंजी का हवाला देते हुए कहा कि अभी मिले सिग्नल पहले कैप्चर किए गए सिग्नल से काफी अलग है। हालांकि टोंजी ने कहा कि यह महज एक रेडियो इंटरफेरेंस भी हो सकते हैं। रिपोर्ट डिलीट करने की वजह साफ नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली ने इस खबर को अपनी वेबसाइट से डिलीट क्यों किया, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यह चीन की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है। हालांकि रिपोर्ट डिलीट होने के पहले ही खबर कई मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश कर दी थी। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर भी रिपोर्ट वायरल हो गई थी। इससे पहले भी मिले अजीबोगरीब सिग्नल। रिपोर्ट में टोंजी के बयान के मुताबिक इससे पहले 2020 और 2022 में भी दो तरह के संदिग्ध सिग्नल डिटेक्ट किए गए थे। स्काई आई टेलीस्कोप सितंबर 2020 में ही लॉन्च हुआ है। यह चीन के दक्षिण पश्चिम प्रांत गुइझो में स्थित है। इसका डायमीटर 500 मीटर है और यह लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल के लिए बेहद संवेदनशील है। टोंजी का कहना है कि यह टेलीस्कोप एलियंस को ढूंढने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एलियन ढूंढना चीन का नया मिशन। खास एलियन ढूंढने के लिए चीन ने क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सपोले सर्वे नाम का एक मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के जरिए सूर्य जैसे ही 100 तारों को टारगेट बनाया जाएगा और यहां के वातावरण को समझकर जीवन की संभावना को खोजा जाएगा। इतना ही नहीं, चीन धरती के समान ही दूसरा ग्रह ढूंढने के लिए पृथ्वी 2.0 मिशन 2026 में लॉन्च करेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें MNS न्यूज टीवी ऐप। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव www.mnsnewstv.com पर भी देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज पर।